अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो आपको मेरे इर्द गिर्द वाइड एंगल नज़र आ रहा है, इसके भी कुछ शोज हैं भाई। मैंने पिछले ब्लॉग में एक बात बोली थी, एक लेंस का नाम लिया था और एक माइक, दोनों चीज़ों के बारे में मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा डिटेल में। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि सबसे पहले तो रिव्यूज़ देते हैं, उसके बाद फिर वो उनकी वीडियो टेस्ट वगैरह दिखाते हैं। लेकिन पहले मैं इनके शोज दिखाऊंगा, इनके सिनेमैटिक लुक्स आप चेक करिए। बस एक देखना है और देख लो, मना किसने किया। आज मैं ब्लॉगिंग के इक्विपमेंट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, लेंस कौन सा यूज़ करते हो। लेंस वैसे मैंने अभी प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए अभी ही बाय किया है रिसेंटली, एक हफ्ते पहले, क्योंकि मैं पहले यूज़ करता था नॉर्मल लेंस, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अपग्रेड किया जाए। सबसे पहले बताऊँगा अपने सिग्मा वाले लेंस के बारे में, जो कि 10-20 है। और 10-20 का मतलब ये है कि जितने आप लोगों को फुटेज अभी वाइड नज़र आई है वो अल्ट्रा वाइड है, बहुत वाइड हो जाती है। मतलब इतने से लेंस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो क्लोजअप शॉट ले सकते हो, वरना तो वो भी नहीं आएंगे। 10 बिल्कुल पीछे चला जाता है, 20 का मतलब ये है कि आप नॉर्मल फुटेज पे आओगे, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा वाइड होता है वाइड लेंसेस का। इसके अलावा फिश आई का अलग सीन है, और दूसरे जो लेंसेज होते हैं जूम लेंसेज, उनका अलग सीन है। ऊपर जो ये लगा हुआ एक, ये है बोया का माइक, क्योंकि रॉड मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना दूसरे माइक पे जाया जाए। तो ये भी कुछ कम नहीं है, अगर रॉड का माइक भी अगर 22,000 आता है, लेकिन ये माइक जो है आराम से अगर ब्लॉगिंग के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर ये अराउंड आपको अली एक्सप्रेस में वैसे मिल सकता है। अली एक्सप्रेस में मेरे ख्याल से कुछ 5,000 या 6,000 का है, जबकि आप अगर कराची से लोगे, मतलब गोल्डन कैमरा से मैं यूज़ भाई से बाय करता हूँ सारे कैमरा वगैरह, तो उनके पास अराउंड आपको मिल जाएगा 7-8, 8-9 हज़ार में ईजीली। और वो बता भी देंगे कि मतलब ब्लॉगिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट अच्छा है। तो ये सीन है इनके। बाकी कैमरा जो मेरा है वो है निकॉन D7100। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, कैनन और सोनी पे मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि निकॉन मैंने शुरू से यूज़ किया है हमेशा। पहले मैं D40 पे था, जो मैं बचपन में यूज़ किया था, और उसके बाद जो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक प्रोफेशनल कैमरा है, सेमी प्रोफेशनल से भी प्रोफेशनल कैमरा है। और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो आउट क्लास है, शार्पनेस बहुत ज़्यादा है। निकॉन टोटली में सब में यही क्वालिटी सबसे बेस्ट है कि इनकी जो शार्पनेस है वो कैनन से ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि यार मतलब जो कैनन के पार्टनर्स होते हैं तो वो कैनन से आगे नहीं जाते, मतलब जो कैनन यूज़ करते आए हैं वो बोलेंगे कैनन ही अच्छा है, जो निकॉन यूज़ करते आए हैं वो निकॉन बोलेंगे कि निकॉन अच्छा है। तो इनके इनको डिफ्रेंशिएट करने में एक बहुत बड़े मसाइल खड़े होते हैं, क्योंकि निकॉन की अपनी एक कैटेगरी शार्पनेस में है, जबकि कैनन एक ब्लू टाइप के कलर से देता है, तो उसको आप मैच नहीं कर सकते। ये दोनों एक डिफरेंट कैटेगरी पे बैठे हैं, जबकि कंपटीशन दोनों का बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो लोग वो कैनन यूज़ करते हैं, क्योंकि निकॉन यूज़ करने में बहुत मसाइल आते हैं। निकॉन आपको फौरन तौर पर आएगा नहीं, आपको बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए निकॉन वालों ने अलग एक ट्रेनिंग जो है इनकी क्लासेस भी रखे हैं। जो निकॉन आप बाय करते हो तो उसके साथ आपको कार्ड मिलता है कि भाई आप फ्री क्लासेस लें। और ये जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो है गोरिल्ला पॉड एक मतलब फ्लेक्सिबल ट्रैपॉड होता है, उसके भी 3 टांगे होती हैं,
और छोटा सा होता है उसको, आप ये है कि आप मरोड़ के गोल रोल करके ना कहीं भी लगा सकते हो, ये फ़ायदा है। ये किस लिए होता है, ये जो विंडशील्ड आगे लगा हुआ है ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कोई हवा वाली जगह पे खड़े हुए हो तो वहाँ पे ही आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन नहीं मारेगा, आपको नॉइस से बचा लेगा कि वो जो करके आवाज़ें आती हैं उससे ही रोक लेगा, इसलिए ये यूज़ होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये लगा के रखता हूँ ताकि क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाए, हवा वगैरह चलना शुरू हो जाए तो उसमें ये रोक ले मुझे। तो ये है, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये सब बताना तो, और भी कोई सवाल हो तो ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं सबको व्लॉग में ही बता दूंगा, या फिर आप स्नैपचैट पर फॉलो कर लो तो स्नैपचैट पर कोई भी अगर सवाल पूछता तो मैं उनको बता सकता हूँ। कोई भी लेंस का हो, कैमरे का हो, माइक का हो, ट्राइपॉड का हो, कुछ भी हो वो मुझे भेज सकते हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छी लगी भाई तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं यार, जाने दो।